तीन बातें बताऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि समय सीमित है कार्यक्रम का भी और जीवन का भी। पहली बात, नारी होना गौरव की बात क्यों है? दूसरी बात, जल और प्रकृति का संरक्षण कैसे करें? और तीसरी बात, ये जो आप अमृत कलश को शीश पर धारण करते हैं, इसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है? सिर्फ तीन बातें। पहला, नारी होना गौरव की बात क्यों है? अगर मैं आपको नारी और नारी के पर्यायवाची शब्दों की थोड़ी सी भी इनके अर्थ बता दूं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि नारी होना गौरव की बात क्यों है। नारी शब्द की मी धातु से निकला है संस्कृत की, जिसका अर्थ होता है नेतृत्व करने वाली, शौर्यशालिनी, दानशीलता, कर्मशीलता में सर्वोपरि रहने वाली, इसे नारी कहते हैं। स्त्री शब्द स्त्रल धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है विस्तार देने वाली, गुणों को विस्तार देने वाली, करुणा को विस्तार देने वाली, ममता को विस्तार देने वाली, स्नेह को विस्तार देने वाली, बढ़ाने वाली, आगे देने वाली। महिला एक शब्द होता है जो महधातु से निकला है, इसका जिसके महान शब्द भी बनता है, इसका अर्थ होता है पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य। सोचिए, जिस शब्द की परिभाषा इतनी ओजस्वी, इतनी तेजस्वी है, वो नारी अपने आप में कितनी गौरवशाली होगी। आपको पता है, थोड़ा सा विज्ञान का बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत लोग यहाँ पर हैं। हमारी न्यूरो साइंस कहती है हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध। और न्यूरो साइंस बताती है कि पुरुष में केवल एक गोलार्ध भाव संपन्न होता है, लेकिन एक स्त्री के अंदर, एक नारी के अंदर ये दोनों गोलार्ध सक्रिय होते हैं और दोनों भाव संपन्न होते हैं। सोचिए कितना कितना भगवान ने हमें कैसा बना के दिया। लेकिन विडंबना देखिए समाज, किसी महान नारी को अबला कहते हैं, कमजोर कहते हैं। अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो पति के साथ होता है, क्यों जानते हैं? क्यों? सिर्फ इसके पीछे ये दो कारण है, एक समाज, एक नारी स्वयं। अगर हम अपने आत्मिक सौंदर्य को पहचान ले, अपने आध्यात्मिक और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हो जाए, तो हम वास्तविक रूप में वो नारी है जिसकी गाथा हमारे ग्रंथों में गाएगी। आपको अपने दैहिक और भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ना पड़ेगा, आध्यात्मिक उन्नति भी करनी पड़ेगी, तभी हम वास्तव में नारी हैं। दूसरी बात जो बतानी थी, जल और प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, ये इसलिए कि हम जो अंदर है वही बाहर प्रकृति हमें दिखाई देती है। ये एक नियम है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा फल मिलता है। हम जैसे विचार, जैसी संवेदना अपने मन में, अपने हृदय में रखते हैं, वैसी ही प्रकृति हमें बाहर दिखाई देती है। मैं आपसे नहीं कहूंगी आप पानी बचाओ, आप ब्रश करते समय नल को बंद रखो, आप बूंद बूंद जो पानी पड़ता है तो नल को ठीक कराओ, ये आपके बहुत काम होगा। लेकिन जब तक आप इन चीजों के प्रति संवेदनशील नहीं, आप में इन चीजों के प्रति करुणा नहीं है, जीव के प्रति, प्रकृति के प्रति, जल के प्रति, इस धरती माँ के प्रति, तब तक कुछ बचाव नहीं हो सकता। आपको इतनी करुणा रखनी पड़ेगी कि एक बूंद भी कहीं व्यर्थ जाए तो आपके हृदय को आघात पहुंचे। अगर किसी जीव के साथ कुछ बुरा हो तो आपके हृदय को लगे, ऐसी संवेदना आपके अंदर जगानी आपको कैद पड़ेगी, और ऐसी तब जाती है जब आप अपने आध्यात्मिक रूप से जुड़ते हैं। तीसरी चीज, हम अमृत कलश को शीश पे धारण क्यों करते हैं? कोई बता सकता है हम अमृत कलश को या जल कलश को अपने शीश पे धारण क्यों करते हैं? आध्यात्मिक कारण क्या है? हमने कलश में जल भरा, ऊपर नारियल रखा, सिर पे रखा और हम चल दिए। बताएं इसके पीछे आध्यात्मिक लॉजिक क्या है,
आध्यात्मिक कारण क्या है? नहीं बताना, नहीं बताना, किसी को नहीं बता, नहीं बता, किसको बताए? हाथ खड़ा करके बता। अच्छा, किसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करे। हमारे सिर के इस भाग को ध्यान से सुनना, आज आध्यात्मिक रहस्य बता रही हूँ। हमारे सिर के इस भाग को गगन कहते हैं, आकाश कहते हैं। गगन मंडल अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मर प्यासा। अमृत का कुंड है, अंदर अंदर अमृत का कुंड है। बाहर के अमृत कलश को शीश में धारण करना एक प्रतीक है, एक संकेत है कि जैसा अमृत कलश हम बाहर शीश पे धारण करते हैं, ऐसा एक भीतर भी है। सगुरा होवे भर भर पीवे, लेकिन जिसके जीवन में कोई पूर्ण गुरु है, एक महापुरुष है, वो जीवे जी अमृत को प्राप्त करता है निगुरा जाता। और जिसके जीवन में कोई सच्चा गुरु नहीं आया, वो संसार से खाली चला जाता है। हम जीते जी इस अंतर के अमृत का पावन करते हैं। ये बाहर का अमृत कलश हमें इतना ही कहूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय भी बहुत सीमित है। और अंत में एक बार श्री कायालाल जी पाटीदार एवं उनके परिवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से गंगोद्यापन और नूतन गृह प्रवेश के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात और कहना चाहूंगी, नगर परिषद जो क्षेत्र के लिए, शहर के लिए इतने अच्छे पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम कर रही है, उसके लिए भी ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करे। सच्चाई के मार्ग पर आप सब चले। जागृति संस्थान की ओर से यही शुभाशय, यही शुभकामना।